अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपको कल का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज देखते हैं कि क्या क्या होता है पूरे दिन में। तो अभी फिलहाल तो मैं किचन में हूँ और अब्बा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हल्दी वाला, क्योंकि उनको लगती रहती है ना हल्दी दूध, रोज सुबह ठंडा करके थोड़ा देती हूँ। तो अभी मुँह धो लिया है और अभी नाश्ता करने जा रही हूँ। आज मिसवाक से ब्रश नहीं किया, उससे मतलब नॉर्मल प्लास्टिक के ब्रश से ब्रश किया, क्योंकि यार भूख इतनी लगती है इतने टाइम तक, फिर कब वो मिसवाक से आप ब्रश करेंगे, कब कुल्ला करेंगे, कब जल्दी से फ्रेश होंगे। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ब्रश किया ताकि मैं जल्दी से नाश्ता कर सकूँ। अब इसमें आप ही बताओ मेरी क्या गलती। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी मम्मी बाजार गए थे ना, तो उन्होंने नवे नवे कप लाए, क्योंकि अभी मेरी बहन आने वाली ना यहाँ पर, पुणे से यहाँ पर आने वाली, उनकी सास भी आने वाली, तो इसीलिए मम्मी ने नवे कप्स लाए और उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा कप भी लिया है ताकि मैं उसमें दूध वगैरह पी सकूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। अभी नाश्ता हो गया है और मोबाइल को ज़रा चार्ज पर लगाया तो चार्ज बहुत कम है, और मैंने अपने कप को ना छुपा के रखा है ताकि, मतलब मैंने धो के रखा है ताकि वो जो खाला है ना, खाला धोते टाइम पूरा सब तोड़ देती, तो इसीलिए कि वो ना तोड़े मैंने उसको धो के तुरंत रख दिया। देखो मैंने यहाँ पर ट्रॉली में छुपा दिया। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, हर टाइम भैया का कुछ ना कुछ चल रहा रहता है, कभी डीजे का, कभी पॉपकॉर्न की गाड़ी का। तो मम्मी ने अभी काता मंगवाया, कहा कि दुकान से काता लाके तो जाके देते हैं। देर किस बात की, आप यकीन करो नहीं करो, लेकिन ये सब चॉकलेट्स मैंने ही खाया है। मैंने बोला था ना आपको, जब मेरा दिमाग बदल जाता है तो इवन मैं नहीं कंट्रोल कर सकती खुद को। तो अभी दोपहर हो चुकी है और मैं सोई हुई थी थोड़ी देर पहले, नींद से उठी और अभी जाते हैं कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। इंसान को क्या चाहिए, खाने के बाद सीधा पेट भरने के लिए कुछ चाहिए रहता, ना मंजन, ना ब्रश, ना कुछ, पहले खाना ढूंढता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक बार मेरा रूटीन टूट गया तो लाइन पे आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अभी क्योंकि मैंने एक ही चिप्स खाया था ना उस दिन, मेरा पूरा रूटीन खराब हो गया, तो मैं कुछ भी खाती रहती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ भेल लाने को और भेल ला के दिखाती हूँ आपको, तो चलो चलते हैं। तो ये रही भेल, आलू चना मुरमुरा वाली भेल। तो आपसे बाद में मिलते हैं इसे खाने के बाद। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ओरियो बिस्किट खाने की रेसिपी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको क्या करना है, ओरियो बिस्किट लेना है, उस ओरियो बिस्किट को ऐसा बीच में से खोलना है, उसे डम करना है, उसको लिक करना है, उसके बाद आपको डम करना है, उसके बाद। तो ये थी ओरियो खाने की रेसिपी। अगर आपको ऐसी रेसिपी पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं और ऐसी रेसिपी बताऊं आपको। तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, पूरा एकदम लाइट जला लेते हैं। तो ये हमारा इमामबाड़ा है, मतलब घर में नमाज पढ़ने की जगह। और अभी दुकान पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं। ये एकदम चमक रहा है आज, एकदम एक नंबर। अभी लाया अंकल ने, हाँ। तो आज फिर से दुकान गंदी हो गई है, गंदी तो रोज ही होती है। अगर आप मम्मी चप्पल से आके जाते, लेकिन मैं चप्पल उतारती हूँ, अगर आप चप्पल से आके जाएंगे तो गंदा तो होना ही है। ये देखो, तो जल्दी से इसको अच्छा करते हैं और झाड़ू मारते हैं इससे पहले कि मगरिब का टाइम हो। ऐसा कहा जाता है कि मगरिब के टाइम झाड़ू नहीं करना चाहिए, रात को झाड़ू नहीं करना चाहिए,
और अगर किया तो घर में ही रखना चाहिए कचरा। पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे, गॉड नोज। तो जल्दी से चलो साफ करते दो। देखो ये लेस मैंने खाया है, नींबू लेस। हाँ। तो आज कभी अपना नया कप दिखाया, तो कभी लोगों के दुख दिखाए, कभी ये दिखाया कि खाने पे कंट्रोल ना होने की वजह से कितना कुछ भी खा लेती हूँ। ये सब चॉकलेट्स मैंने खाए, तो कभी ओरियो बिस्किट खाने की रेसिपी बताई। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक योर टुडे ऑसम सो दैट योर यस्टरडे इज स्टिल अलर्ट।